आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोग हमारा चैनल आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों हमारे नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं, इसलिए आप लोग चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब कर लें। आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी आपको घर बैठे और सबसे पहले मिल सकेंगे। दोस्तों मुहासों से लड़ने के लिए हम तमाम उपाय करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन फिर भी ये समस्या जल्दी ठीक नहीं होती। हकीकत ये है कि पिंपल्स दूर भगाने के लिए प्राकृतिक और आसान तरीके मौजूद हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे आसान उपाय बता रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप एक हफ्ते में मुहासों की समस्या से छुटकारा पा सकती हैं। आइए जानते हैं मुहासे दूर करने के घरेलू उपायों के बारे में। नंबर एक, नीम की पत्तियों से आप प्रयोग कर सकती हैं। कैसे करेंगी? नीम की पत्तियों को पीस कर उसे चेहरे पर लगाने से मुहासे पूरी तरह से मिट सकते हैं। इसकी पत्तियों को पानी में उबालें और उसे ठंडा करके उस पानी से मुंह धो लें, इससे भी आपके मुहासे दूर हो जाएंगे। नंबर दो, संतरे के छिलकों का प्रयोग कर सकती हैं। सबसे पहले अपने चेहरे को गुनगुने पानी से धोएं ताकि चेहरे के पोर्स खुल सकें। इसके बाद संतरे के छिलके को पिंपल्स पर लगाएं, ऐसा एक घंटे तक करते रहें। संतरे के छिलके में मौजूद विटामिन सी आपके पिंपल्स को ठीक करने में मदद करेगा। नंबर तीन, भाप लें। चेहरे की चमक के लिए स्टीम यानी भाप बेहद जरूरी है। यह न सिर्फ गंदगी हटाता है बल्कि चेहरे की त्वचा को मुलायम भी करता है। दरअसल स्टीम उपचार के जरिए पोर्स खुल जाते हैं, नतीजतन त्वचा को सांस लेने में आसानी होती है। स्टीम उपचार से चेहरे में गंदगी नहीं जमती, जिससे पिंपल्स में आराम मिलता है। नंबर चार, टूथपेस्ट लगाएं। सफेद टूथपेस्ट काफी हद तक बर्फ ट्रीटमेंट की तरह काम करता है। सफेद टूथपेस्ट को तकरीबन एक घंटे के लिए पिंपल्स पर लगाकर छोड़ दें, लेकिन ये ध्यान रहे कि आपका टूथपेस्ट जेल वाला ना हो। पिंपल्स हटाने के लिए सफेद टूथपेस्ट का ही इस्तेमाल करें। अगर आप ऐसा करती हैं तो कुछ ही दिनों में आपके मुहासे खत्म हो जाएंगे। दोस्तों आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।